हेलो, दिस इज़ वर्षा और मैं इस शूट के लिए निकल रही हूँ। वन गुजरों की कहानी है ये कि किस तरह वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो कोविड टाइम में और जंगल के अंदर पुनर्वास को लेकर, पढ़ाई को लेकर, महिलाओं की स्थिति, डॉक्टर की स्थिति, स्वास्थ्य, बहुत सारे सवाल हैं। तो वो कुछ किस तरह से इन अपने बेसिक राइट्स के लिए जूझ रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगी इस स्टोरी में। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, देहरादून ऋषिकेश से आगे पौड़ी ज़िले के गौहरी रेंज की ये वन गुज्जर बस्ती है जो राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर बसी है। यहाँ वन गुज्जरों की करीब 200 परिवार रहते हैं। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते। वन गुज्जर युवाओं ने बस्ती में ही 5वीं तक की पढ़ाई के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था की है। मैंने यहाँ बच्चों से बात की, उनकी पढ़ाई के बारे में जाना। बच्चों ने खूब कविताएं सुनाई। वन गुज्जर समाज के ही युवा शिक्षकों ने कहा कि बिना शिक्षा के परिवर्तन लाना मुश्किल है। और धीरे धीरे समाज को बताया कि शिक्षा के बिना समाज के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ इस समय ये वन गुज्जर की बस्ती में हूँ और अभी हमने बात की बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बच्चों ने भी अपनी कविताएं सुनाई और किस तरह से बच्चे 5वीं तक यहीं पर पढ़ाई करते हैं और 6ठी के बाद इनको पढ़ाने का प्रयास हो रहा है, वो भी अभी यहाँ लोकल लेवल पे, ताकि समाज आगे बढ़े, गुज्जर समाज आगे बढ़े, बच्चे जो है समाज की मुख्य धारा से मिल सके। तो इसके लिए वो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं ये अभी हमने यहाँ पर देखा। अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी और महिलाओं से बात करूंगी कि महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक किस तरह की पहुंच है, महिलाएं क्या महसूस करती हैं, उनकी क्या सोच है। गुजरों की ये बस्ती है, इससे बाहर निकल रही हूँ अब। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बातचीत की वो बिजली, पानी, स्कूल जैसी मूलभूत समस्याएं हैं। जंगल में रहना चाहते हैं, जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको लगता है कि वहाँ पर ही उनके स्कूल हों जहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकें। तो सड़क के इस पार ज़िंदगी अलग है और सड़क से नीचे इधर जंगल की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो गुज्जर बस्ती है वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल जुदा है।